हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं जो हैं डाटा मेन्यू के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम्स और कंसोलिडेट फ्लैश फिल। टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट में नेम कॉमा जेंडर कॉमा यहाँ पर सेपरेटर कॉमा डाला हुआ है। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट टू कॉलम्स यहाँ पर डेलिमिटेड फिक्स्ड विड्थ का ऑप्शन दे रहा है। डेलिमिटेड का मतलब है कि फिक्स्ड विड्थ नहीं है, फिक्स्ड विड्थ का मतलब है कि हर फील्ड बराबर है, तो हमने डेलिमिटेड रखना है। अब हमारे पास सेपरेटर क्या है, हमारा सेपरेटर कॉमा है। तो आप देख रहे हैं मेरा डेटा क्लीन अप हो गया है, आपको नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें फॉर्मेट्स बता रहा है, तो फॉर्मेट्स को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, अभी चेंज नहीं करता। डेस्टिनेशन पूछ रहा है, डेस्टिनेशन भी मैं कहता हूँ इसे करंट जगह पर ही रहने दो, फिनिश। तो आपने देखा मेरा डेटा क्लीन अप हो गया और सेपरेट कॉलम्स में जा चुका है। ये स्टूडेंट्स, ये है डेटा को अलग अलग कॉलम्स में करने का तरीका था। अब यहाँ पर हमने डेटा के फॉर्मेट को चेंज नहीं किया, तो डेटा क्लीन अप होते हुए हमारे पास ये मोबाइल नंबर में गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट के अंदर हम डेटा के टाइप को भी चेंज करते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें मैंने सेपरेटर को एंड इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स क्लिक करूँगा। डेलिमिटेड है, नेक्स्ट। सेपरेटर क्या है, मेरा सेपरेटर सेमी कॉलन भी नहीं है, टैब भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, अदर है। अदर में एंड का निशान है, नेक्स्ट। मेरे पास नेम के लिए फॉर्मेट है टेक्स्ट जनरल, ठीक है, जनरल जनरल। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, इसका फॉर्मेट में डेट चूज करूँगा। मोबाइल नंबर, इसका फॉर्मेट में टेक्स्ट चूज करूंगा। एंड सी एन आई सी इज ओके। एंड इसकी लोकेशन, इनकेस आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे। मैं कहता हूं इसको मुझे यहां पे करके दिखाओ, अलग जगह पे, एंड फिनिश। तो मेरा डेटा कॉलम्स में कन्वर्ट हुआ, ओरिजिनल डेटा वहीं पे है, जबकि मेरा दिया हुआ डेटा एक अलग जगह पे एक्सेल ने मुझे कॉलम्स में कन्वर्ट करके दे दिया। नेक्स्ट है जी, मैंने सेपरेटर के तौर पर स्पेस को इस्तेमाल किया हुआ है। प्रोसीजर वही है, टेक्स्ट टू कॉलम्स डेलिमिटेड, सेपरेटर के तौर पर हमने स्पेस को यूज किया है। नेक्स्ट, नंबर फॉर्मेट्स हमारे पास चेंज करते हैं, एंड फिनिश। देखा हमारा डेटा सेपरेट हो गया। नेक्स्ट, इस डेटा को क्लीन अप करना है। यहाँ पर सेपरेटर के तौर पर मैंने एट द रेट का इस्तेमाल किया हुआ है, फिक्स्ड विड्थ, डेलिमिटेड डेलिमिटेड है, बराबर विड्थ का डेटा नहीं है, स्पेस नहीं है जी यहाँ पे, तो हमारे पास एट द रेट सिंबल है। डेटा फॉर्मेट्स में टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, यहाँ पे डेट एंड दिस इज टेक्स्ट, एंड फिनिश। हमारा डेटा क्लीन अप हो गया। ये था एक्सेल का एक फीचर जिसको आप कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स। नेक्स्ट पे चलते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए ऑटोमेटिक फिल करे। फॉर एग्जांपल, यहाँ जनवरी लिखा हुआ है, फरवरी लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ पहले तीन लेटर्स जे ए एन। अब मुझे नीचे यही सारा कुछ चाहिए, मैं फ्लैश फिल में जाता हूँ, कंप्यूटर ने मुझे हर एक के पहले तीन लेटर्स दे दिए। सिमिलरली लास्ट थ्री लेटर्स ए आर वाई, फ्लैश फिल। तो यहां पर एक्सेल ने मेरे लिए फ्लैश फिल में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, क्योंकि इसने
लास्ट थ्री लेटर्स ऐसे उठाए हैं कि इसने JANU चार लेटर्स के बाद तीन लेटर्स उठाए हैं, तो जहां पे चार लेटर्स नहीं थे वहां पे इसने कुछ भी नहीं लिया। सो लेट्स चेंज इट दिस वे, मैं यहां पे लिखता हूं ARY RCH। अब मैंने एक्सेल को बता दिया कि आपने क्या लेना है, अब यहां पर फ्लैश फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली हर एक के आखिरी तीन अल्फाज लेगा। फर्स्ट लेटर से मैं कहता हूं यहां से जे ले लो, फ्लैश फिल, एक्सेल ने फर्स्ट लेटर ले लिया। नेक्स्ट है जी, मेरे पास ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, मैं फुल नेम लिखना चाहता हूं। मैं एक्सेल को बताऊंगा अंडर द स्कोर कॉमा, यहां मैंने फर्स्ट नेम के बाद अंडरस्कोर डाला और कॉमा लिख दिया। अब मैं फ्लैश फिल करूंगा तो एक्सेल ऑटोमेटिकली सबके नाम उसी तरह से लिख देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ नंबर स्पेस पर अप्लाई करते हैं। यहां मुझे फर्स्ट फोर डिजिट्स चाहिए, कंट्रोल ई से भी ये काम किया जा सकता है। यहां मुझे मिडल फोर डिजिट्स चाहिए, जैसे 0923। यहां मुझे ये लेटर्स चाहिए, मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा नीचे तक यही आ जाएंगे। लास्ट डिजिट चाहिए मुझे, सर फर्स्ट लास्ट लिखा, सेकंड का लास्ट लिखा, एंड इसके बाद हमें फ्लैश फिल पे क्लिक करना है या कंट्रोल ई प्रेस करना है। दैट फीचर इज नोन एज फ्लैश फिल एंड टेक्स्ट टू कॉलम्स। थैंक यू वेरी मच।